गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको यह पर्टिकुलर बैंक की यह पर्टिकुलर सर्विस कैसे अवेल करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि फ्रेंड्स, यह सर्विस अवेल करने के लिए आपको वो बैंक की ब्रांच पे जाना होगा और वहाँ से आपको सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म, ओके, यह पर्टिकुलर सर्विस अवेल करने का जो फॉर्म रहता है उसको बोलते हैं सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म या मल्टीपर्पस फॉर्म, या सिंपल आपको वो ब्रांच पे जाके बताना है कि मुझे यह पर्टिकुलर सर्विस अवेल करनी है तो उसके रिलेटेड मुझे फॉर्म दीजिए, तो वहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वो फॉर्म कैसा रहता है एंड उसको कैसे भरते हैं उसके बारे में आज आपको बताऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं वो फॉर्म कैसा रहता है एंड उसको कैसे फिल करते हैं, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म कुछ इस तरीके से रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टू द ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे नीचे अपनी ब्रांच का नाम लिख देंगे, यानी कौन सी ब्रांच में आप अप्लाई करने जा रहे हैं, ओके। और यहाँ पे फ्रेंड्स फ्रॉम, यानी आपका नेम लिखेंगे, आपका एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे जो है आपका टेलीफोन नंबर नहीं है तो मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे, ओके। और फ्रेंड्स लास्ट में अपना यहाँ पे एक सिग्नेचर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वाली पर्टिकुलर सर्विस अवेल करने के लिए कैसे फॉर्म भरते हैं, चलिए मैं आपको एक फॉर्म भर के दिखाता हूँ, ओके। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेरा नेम लिख दिया, विजय पटेल एट पोस्ट खेरगाम, ओके, ये एड्रेस लिख दिया, फिर मेरा मोबाइल नंबर नीचे लिख दिया है, फिर देखिए अकाउंट नंबर लिख दिया है, और मैं कौन सी ब्रांच में अप्लाई करने जा रहा हूँ तो ये मैंने खेरगाम लिख दिया है, ओके। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको नई चेकबुक चाहिए, ओके, तो ये चेकबुक रिक्वेस्ट का नंबर है 5, ओके, ये है चेकबुक रिक्वेस्ट, तो इसके लिए आप यहाँ पे टिक करेंगे प्लीज़ इश्यू चेक बुक ऑफ 20 लीव्स, ओके। और फ्रेंड्स लास्ट में ये सब अपना फॉर्म कंप्लीट करने के बाद नीचे देखिए सिग्नेचर ऑफ कस्टमर, यहाँ पे आपका सिग्नेचर आएगा और आपने अकाउंट ओपनिंग के समय जो सिग्नेचर फॉर्म पे किया रहेगा वही सिग्नेचर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपका कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म वहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है, ओके। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके मोबाइल के ऊपर मिल जाए। ऐसा ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा, बने रहिए, देखते रहिए, कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।